brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. किसको सुनने आए? अरे हम तो बाबा साहब को सुनना चाहते हैं अपने को। बाबा साहब तो नहीं है, आप किसको सुन? बाबा साहब की मेहरबानी जो आप खड़े हो, जो टोपी लगा खड़े नहीं है, उनकी मेहरबानी है। पाँच किलो, पाँच किलो भीख डाल दी है उसने, गल्ला दे के पाँच किलो गल्ला दे के भीख डाल दी है उसने, खैरात काट रहा है। मैं मायावती की। क्या लग रहा है चुनाव में? क्या लग रहा है, क्या उम्मीद, क्या मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे मायावती बहन होनी चाहिए और इसका संविधान बचना चाहिए और हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है, इसी कड़ी में अलीगढ़ में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। अलीगढ़ में इस बार 14 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं और इनमें से कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा है। हम मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी की जनसभा में, जहाँ आज बसपा प्रमुख मायावती इस जनसभा को संबोधित करने आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अलीगढ़ से ब्राह्मण प्रत्याशी हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा है, उसी को लेकर चुनावी सरगर्मी अलीगढ़ में एक बार फिर बढ़ गई है। जनसभा स्थल जो है उसकी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। लगभग पूरा स्थल जो है वो लोगों की भीड़ से पट चुका है। बंटी उपाध्याय के समर्थन और बहुजन समाज पार्टी में विचार रखने वाले लोग लगातार जनसभा में शामिल होने आ रहे हैं। भारी भीड़ जो है वो इस जनसभा स्थल पर आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है प्रत्याशी को लेकर। क्या नाम है आपका? स्पेशली मुस्लिम समाज यही कहना है कि चुनाव बढ़िया होना चाहिए। जनसभा में आए हो? हाँ। किसको सुनने आए हो? है किसको सुनने आए हो? ये मायावती को चलना है। अच्छा, प्रत्याशी के बारे में क्या कहना है? प्रत्याशी के बारे में, प्रत्याशी बढ़िया है और क्या, ठीक है सर। लोग हैं, क्या नाम है? रोहतास। किसको सुनने आए? अरे हम तो बाबा साहब को सुनना चाहते हैं अपने को। बाबा साहब तो नहीं है, आप किसको सुन? बाबा साहब की मेहरबानी जो आप खड़े हो, जो टोपी लगा खड़े नहीं है, उनकी मेहरबानी है। सुनने 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 जी, किसको सुनने आए? हम तो मायावती को सुनने आए। प्रत्याशी और चुनाव के बारे में क्या कहना है? मायावती बने प्रधानमंत्री, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे हमारे हमारे तो बीजेपी में हमारे तो सारे रिक्शा भी नहीं मिला अपाजों के लिए, तो बताओ हमारी आत्मचरिया से बनी है। अरे अपाजों के लिए एक आध रिक्शा मिलता वो भी नहीं मिल पा रहे, और जो 80 साल की उम्र होगी और किस तरीका से आए। अच्छा, ये अलीगढ़ में जो ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है बसपा ने, इसको लेकर क्या सोचना है? नहीं हमारे तो मतलब नहीं, हमें तो मायावती से मतलब है अपना, बस मायावती जीत जाए बढ़िया है, और 80 साल की उम्र होकर साल ऐसी आए। अच्छा, आप जैसे बसपा समर्थक हैं, आप बसपा समर्थक हैं, उत्तर प्रदेश में बसपा सत्ता में नहीं आ पाई है, सीटें कम हुई हैं, उसको लेकर किस तरीके से सोचते हैं? अरे अब वो तो हमने सोच पाएंगे कछु, अब हम कुछ कम चल गए, कम चलने लगे, कम चल थोड़ा बहुत। क्या नाम है? कृष्ण गोपाल नाम है। कहाँ आए हो? मैं रैली में आए भाई। किसकी? बहन जी की रैली में आए। क्या कहना है? हमने कहना है दोबारा आए तो बढ़िया होगा, बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है? गरीब परेशान है बस। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? भगवान दास गौतम। किसको सुनने आयो? मायावती की भाषण को। प्रत्याशी को? हाँ हाँ, पार्टी के ही आदमी है हम। तो ब्राह्मण प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, कोई इससे फर्क पड़ेगा? हाँ, ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में है, कोई फर्क पड़ेगा? टकराव अच्छा है। हाँ, कैसा चल रहा है चुनाव? अच्छा चल रहा है। क्या सोच रहे हैं, मतलब इन जो सरकार कहती है कि उन्होंने दलितों का उत्थान किया है, पाँच किलो भीख डाल दी है उसने, गल्ला दे के पाँच किलो गल्ला दे के भीख डाल दी है उसने, खैरात बांट रहा है। क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि सरकार बदले। किसकी सरकार आए? बहुजन समाज की आवे। अच्छा, और कुछ लोग हैं दादा, क्या नाम है? मेरा राजन सिंह है। कितनी उम्र होगी? 90। 90? सभा सुनने, भाषण सुनने आए हो? 90। हाँ। किसका सुनने आए हो? किसका भाषण सुनने आए हो? मायावती को सुनने आए। अच्छा, क्या लग क्या रहा है, क्या चाहते हो अब, क्या होना चाहिए? जो है यार बढ़िया है।
बढ़िया है। अच्छा, बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो उसको लेकर क्या सोचना है आपका? ब्राह्मण बाट ज्यादा जाने हम ठाकुर अलीगढ़ के कुछ लोग थे। क्या नाम है भाई? सुभाष चंद्र। क्या कहाँ आए हो, किधर आए? भाई साहब से बात कर लेने में, खा रहा हूँ, ककड़ी खा रहा हूँ। कोई बात नहीं, खाते रहो, बताते रहो। बैंजनी की रैली में आए सर। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल बढ़िया लग रहा है। बैंजी आएंगे अगली बार? ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में है, इसको लेकर सभी जातों से सपोर्ट हो रहा है और सब जगह सपोर्ट हो रहा है, सभी लोग वोट देंगे। तो ये अलीगढ़ में हितेंद्र कुमार और बंटी उपाध्याय की जनसभा है जिसको संबोधित करने मायावती आ रही हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो है वो आने का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे इस तरफ ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। दादा, क्या नाम है? बनी सिंह। किसको सुनने आए हो? मायावती। क्या लग रहा है? पंगा लग रहा है। क्या लग रहा है चुनाव में? क्या लग रहा है? हाथी है चुनाव में। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं तो सब तो बाकी सब जगह सब जगह हाथी। लगातार सभा में लोगों का आने का सिलसिला जारी है और ये महिलाएं भी सभा में आ रही हैं। क्या नाम है? गायत्री। कहाँ, किसको सुनने आई हैं? मैं मायावती की। क्या लग रहा है चुनाव में? क्या लग रहा है? क्या उम्मीद, क्या मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे मायावती बहन होनी चाहिए और इसका संविधान बचना चाहिए और हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। अभी तक सुनी नहीं जा रही जी? अभी तक हो नहीं रहा आपका उत्थान? आपके लिए चीजें नहीं हो रही? नहीं नहीं ना। क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि हमारे स्वतंत्र रहे। कौन रोक रहा है? हम और लोकसभा के माध्यम से सांसद बनती है। ठीक है ठीक है, ये अम्मा भी आई। क्या नाम है? मुन्नी देवी। अरे कितनी उम्र है आपकी? 65 साल है। अच्छा, किसको सुनने आई हैं? इसको आई मायावती को सुनने। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। ये अलीगढ़ के चुनावी जनसभा को संबोधित करने अलीगढ़ में आज मायावती आ रही है, उसको लेकर आज मायावती की जनसभा को सुनने आप लोग आए हुए बड़ी संख्या में। इन लोगों का कहना ये है कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीते, क्योंकि जो ये चाहते हैं इस तरीके से उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही, उनके समाज को चीज़ें नहीं मिल पा रही, यहाँ लोगों की ये शिकायत है। हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय ब्राह्मण प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में। बसपा की जनसभा को सुनना है, लोगों का कहना यह है कि प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि सभी जाति धर्म के लोग उनको सपोर्ट करें और यहां से जिताकर लोकसभा भेजें। अकरम खान, अलीगढ़, योग्यता।